हाजिर हूँ मैं यानी तन्मय शेख आपके अपने YouTube चैनल क्यू आर पेन पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे बनाएं अपने चैनल के लिए बैनर। स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको, बनाने से लेकर लगाने तक दिखाएंगे आप। क्या साइज होना चाहिए, कौन से ऐप से एडिट करना चाहिए, ये सब कुछ हम आपको आपके सामने करके दिखाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार। तो चलिए आप कार्यक्रम शुरू करते हैं, बिना ऐप का टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने मोबाइल के स्क्रीन पर लेकर आपको सब कुछ सिखाते हैं। दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ पर सबसे पहले आपको चले आना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर पिक्सल लैब एप्लीकेशन सर्च करना है, यहाँ पर आ जाएगा। इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो यहीं से हम ओपन कर लेंगे इस एप्लीकेशन को। और ये जो लास्ट वाला सफेद दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये जो आइकन आपको दिखाई दे रहा है ठीक है, इस जगह पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आ जाएगा। और यहाँ पर आपको साइज वाला ऑप्शन मिलेगा, ये वाला, तो आपको साइज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही साइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस खुल के आएंगे, तो इसमें से साइज आपको सेलेक्ट करना है ठीक है। यहाँ पर YouTube थंबनेल जैसे हम बनाते हैं तो यहाँ से बनाते हैं, तो YouTube चैनल का बैनर बनाएंगे तो कहाँ से बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे ठीक है, उसके ऊपर वाले ऑप्शन से। तो यहाँ पर लिखा हुआ यूट्यूब चैनल बैनर, तो यहाँ से हम यूट्यूब के लिए चैनल का बैनर बना सकते हैं। तो यहीं पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर साइज जो है ये ऑटोमेटिक ले लेगा ठीक है। यहाँ पर देखिए वेट जो है 2560 है और यहाँ पर हाइट जो है इसका 1440 है, तो इतना होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर से क्लिक करके सेलेक्ट नहीं करते हैं यूट्यूब चैनल बैनर, तो यहाँ से आप साइज भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं इतना 2560 और यहाँ पर लिख सकते हैं 1440 ठीक है। तो ये हमने कर दिया, उसके बाद हम इसे कट करेंगे, यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे ठीक है। यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये जो है साइज ऑटोमेटिकली ले लिया है। अब यहाँ पर देखिए हम काम करेंगे। सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर इस तरीके से क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है शेपेस ठीक है। तो आपको यहाँ पर शेपेस ले लेना है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ये जो है पेपर आ गया ठीक है। ये पेपर को आप पेपर का साइज यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, पेपर आपको किस तरह का चाहिए यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा डिजाइन वाला भी पेपर आपको मिल जाएगा ठीक है। तो हम चकोर ही रहने देंगे ठीक है, अभी चकोर है ये। तो ये चकोर को आप जो है सेट भी कर सकते हैं, लंबा और पतला मोटा कर सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से कर देते हैं, इसको छोटा कर देते हैं ठीक है। यहाँ पर पतला ज़्यादा रहना चाहिए ठीक है। अब ये जो इसका कलर हम चेंज करना चाहें तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर हम फटाफट आपको बनाकर दिखाते हैं, जिसको आप आराम से अच्छी तरीके से बनाएंगे तो अच्छा बनाएंगे ठीक है। तो फटाफट आपको बनाकर दिखाते हैं वाला ठीक है। ये हो गया, इसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं लेकिन हम बड़ा नहीं करेंगे, इसको छोटा ही रखेंगे इतने पर। उसके बाद इसको आपको सेंटर में कर लेना है, सेंटर में यानी कि बीच में ठीक है। बीच में करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, इस वाले नट बोल्ट वाले जैसा जो ऑप्शन है इस क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है और ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ये वाला ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ रिलेटिव पोजीशन, तो इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद क्या करना है आपको, इसको सेंटर में करने के लिए पहला तो बटन ये दबाना है जिससे कि दोनों साइड से ये बीच में हो जाएगा ठीक है। दूसरा बटन आपको ये दबाना है जिससे कि ऊपर और नीचे से ये बीच में हो जाएगा ठीक है। ये सेट हो गया। अच्छा, बैकग्राउंड आपको चेंज करना है तो बैकग्राउंड के लिए आपको यहाँ पर क्लिक जगह पर क्लिक करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कलर वाला ऑप्शन आ चुका है साइड में, तो इस कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और बैकग्राउंड हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से इस तरीके से ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल ब्लैक ले सकते हैं ठीक है, या फिर कोई सा भी कलर ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके सामने ये वाला कलर ले लेता हूँ ठीक है। इसके बाद ओके कर दिया तो ये सेट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसमें थोड़ा सा मेहनत लगेगा, आपको क्या करना है इसको सेव करना है इस इमेज को ठीक है। सेव करने के लिए मैं बता दूँ आपको, आप चलाते होंगे तो आपको पता होगा। सेव करने के लिए हम इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे ऊपर सेव वाले पर, और उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। सेव वाले पर क्लिक करने के बाद नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है सेव एस इमेज पर। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आप किस क्वालिटी में इमेज को सेव करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको हाई पर क्लिक कर देना है ठीक है। हाई पर सेलेक्ट कर देना है। हाई पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे ये इमेज जो है ये सेव हो चुका है। इमेज सेव होने के बाद आपको क्या करना है, चले आना है अपने यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल को ओपन करना है और अपने योर चैनल पर चले आना है। करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा आपको योर चैनल का ऑप्शन, तो योर चैनल पर चले जाएंगे। योर चैनल पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपका चैनल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पेंसिल वाला बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पेंसिल वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए चैनल बैनर को चेंज करने का ऑप्शन आपको मिला हुआ है ठीक है। तो कैमरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए टैग है फोटो, यानी फोटो खींच कर लगाना चाहते हैं या गैलरी से लगाना चाहते हैं, तो गैलरी से लगाना चाहेंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी का सारा फोटो दिखाई देगा। जो फोटो हमने अभी भी बनाया है उस फोटो को हम चेक करेंगे लगाकर ठीक है। तो यहाँ पर फोटो है, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए लगा के चेक कर सकते हैं, यानी कि हम इसको ये जूम रहता है तो इसको जूम आउट कर लेंगे ठीक है। अब यहाँ पर से आपको साइज का पता चल जाएगा कि हमने जो बनाया है वो किस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पर आप देख लेंगे कि थोड़ा थोड़ा जगह साइड में छूटा हुआ है, तो ये जगह को मेकअप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा जो इमेज था उसको बड़ा करना पड़ेगा। तो बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यूँ ही छोड़ देंगे। पिक्सल एप्लीकेशन में जाएंगे, पिक्सल एप्लीकेशन में जाने के बाद यहाँ पर ओके करेंगे और ये इमेज आ गया। अब
अब जो वहाँ पर साइड में जगह छूट रहा था उसको मेकअप करने के लिए हम इसे थोड़ा बड़ा कर देंगे, ठीक है, इतना बड़ा हमने ये बड़ा कर दिया। उसके बाद फिर से हम सेंटर में कर लेंगे इसको, ठीक है। अब तो पता चल गया होगा आपको कैसे आप सेंटर में करेंगे, ये हमने सेंटर में किया। उसके बाद फिर से हम इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे, ठीक है, फिर से सेव करेंगे। और सेव करने के बाद दोबारा से हम चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए दो फोटो बन चुका है, तो हम जो अब बनाए हैं वो देखते हैं लगाकर कि कैसा आ रहा है, फिट आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये अभी फिट नहीं आ रहा है, लंबा ज़्यादा हो गया, यहाँ पर देखिए लॉन्ग हो गया है ज़्यादा, लेकिन चौड़ाई कम है इसका। तो हम इसका क्या करेंगे, अब चौड़ाई बढ़ाएंगे और लॉन्ग को उतना रहने देंगे, उतना चलेगा, ठीक है। तो इसका चौड़ाई बढ़ाते हैं, यहाँ पर बैक करते हैं और उसी एप्लीकेशन में चले जाते हैं, पिक्सल लैब एप्लीकेशन में। पिक्सल लैब एप्लीकेशन में आने के बाद ओके करते हैं। इसका चौड़ाई बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये बिंदी सा जो है, इस बिंदी वाले पर हम क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ खींचेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद फिर से हम इसे सेंटर में कर लेंगे। उसके बाद फिर से सेव करेंगे और फिर से वहाँ पर जाकर लगाकर देखेंगे। देखते हैं तो यहाँ पर देखिए चौड़ाई जो है बिल्कुल फिट आ चुका है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे चौड़ाई बिल्कुल फिट आ चुका है और यहाँ पर ये सेट भी हो चुका है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अभी भी जगह रह रहा है, यहाँ पर आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा, तो हम इसके लिए थोड़ा सा और चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आप मेरे गैलरी में देख सकते हैं, पाँच फोटो बनाने के बाद जो लास्ट वाला फोटो है वो बिल्कुल सेट हो चुका है मेरा और यहाँ पर सेट हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए मैंने लिया और यहाँ पर सेलेक्ट किया और यहाँ पर बिल्कुल सेट हो गया। तो यहाँ पर जो आपको ये वाला कलर दिख रहा है, आपको इसी कलर के अंदर सारा डिजाइन डालना है और सारा काम करना है, ठीक है। कैसे, आइए उसी एप्लीकेशन में जाते हैं और सारा डिजाइन वगैरह डालते हैं। पिक्सल लैब एप्लीकेशन में हम आ चुके हैं। अब चाहे तो हम बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, ब्लैक वगैरह रख सकते हैं, वहाँ पर सिर्फ उस टाइम के लिए करना पड़ता है हाईलाइट वाला कलर, यानी कि वहाँ पर दिखाई दे, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो है ये इधर उधर सरके ना, इसके लिए हम इसको जो है लॉक कर देंगे। लॉक करने के लिए हम इस जगह पर क्लिक करेंगे लेयर वाले ऑप्शन पर। जैसे ही लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा लॉक वाला, इस लॉक वाले बटन पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये जो है लॉक हो जाएगा। तो ये लॉक हो गया, अब ये हिलने वाला नहीं है यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से हिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर अब इसके अंदर आपको कलर डालना है, यानी कि डिजाइन वगैरह डालना है। उसके लिए अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर जूम कर लेंगे, जूम वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको जूम करेंगे कितना, इतना, ठीक है, इतना जूम कर लेंगे। उसके बाद हम दोबारा से यहाँ पर क्लिक कर देंगे ताकि जो है हम इस पर काम कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेट हो गया, अब इसके ऊपर हम काम करेंगे, कोई भी डिजाइन वगैरह डालना होगा वो डालेंगे। तो चलिए फटाफट हम डिजाइन डालते हैं। यहाँ प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके हम जो है एक PNG फोटो ले लेंगे, ठीक है, मैं नॉर्मल सा बनाकर आपको दिखा रहा हूँ। PNG फोटो लेने के बाद, PNG फोटो को आप जो है अल्टी पल्टी करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर करने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट से इसे हम सेट करते हैं। पहले इधर घुमाते हैं, हम किस साइड लगाना चाहेंगे उसके हिसाब से। तो हम इस साइड लगाना चाहते हैं, तो इसको हम छोटा करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है। आप चाहें तो इसको और भी जूम कर सकते हैं, क्योंकि हमें अच्छे तरीके से लगाना है चारों तरफ देख के, तो इसको और भी जूम करके आप जो इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसे लगा दिया है, ये बिल्कुल सेट हो चुका है। अब इसे हम जूम आउट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे हिसाब से सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम सेट करेंगे YouTube में जाकर। तो इसको पहले हम सेव करेंगे, सेव करने के बाद हम वहाँ पर सेट करके आपको दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है। आपको तो पता है कैसे लगाना, यहाँ पर देखिए चुटकी बजाते ही ये जो है चेंज हो जाएगा। अब इसे हम सेव करेंगे, यहाँ पर चले जाएंगे, यहाँ पर सेव वाला बटन आपको मिल जाएगा राइट साइड में ऊपर, इसे सेव करेंगे और सेव करने के बाद आपको दिखाते हैं कि ये कैसा देखने में लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सेव हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा सेव होने में। उसके बाद हम चैनल को ओपन करेंगे और यहाँ पर देखिए ये सेव हो चुका है। आइए आप बैक करते हैं, बैक करने के बाद देखते हैं यहाँ पर किस तरीके का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने हमें रिफ्रेश मार के आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके का ये लग रहा है, ठीक है। हो गया भैया वीडियो खत्म। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं तनवीर सक आपको फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।